तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं ना घर पहुँच चुकी हूँ और आई होप आप लोगों ने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा, मतलब इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, क्योंकि वो हमारे हिमाचल के कल्चर से रिलेटेड है। हमारे जो अपर शिमला का जो भी कल्चर है वो है, वो वाला कल्चर ना काफ़ी टाइम पहले लुप्त हो चुका था, लेकिन देवते जी के आदेश से फिर से वो शुरू किया गया और फिर से वो घर घर जाके अब डांस करने लगे। मुझे मतलब वो माश मूश धोना है, तो मम्मी ने सारा काम कर लिया था, अभी मैं माश धो देती हूँ क्योंकि मम्मी कपड़े वगैरह धो रहे हैं। तो आज है 13 अप्रैल और आज के दिन है विशु, तो ये आज के दिन विशाखी है। हमारे हिमाचल में ना ये माना जाता है कि सुबह सुबह के टाइम में ना धुआं लगाया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में जो भी मक्खी मच्छर है वो आए ना। ये है आटा जो कि बहुत अच्छी तरह से फूल गया है, सारा बाहर आ गया। तो जब भी हमारे बड़े पोटू लगाते हैं ना, तो इस तरह से ज़रूर घुमा के और इसको ऐसे लगाते हैं, मतलब बड़े भी और पोल्डू भी। बनाते क्यों है, बोलते हैं कि नए साल शुरू होती है अपने, उसकी जो समत होती ना, उसके नए साल शुरू होते हैं, बसंत पंचमी, सारे चिड़िया वगैरह जो भी है, पंछी कीड़े मकोड़े सब गर्मी का एहसास करते हैं बसंत पंचमी का। ये है जी हमारे मेगा एक्सपर्ट, जिसको कुछ नहीं आता था, इसकी मम्मी बोलती सिखाना इसको, हम लोग नहीं बनाते। हाँ, मैंने बोला जब खाएंगे तो खुद सीखेंगे भाई, मम्मी से सीख रही थी यहाँ आने के लिए। तो हम जा रहे हैं अपने कुल देवता के पास, सबसे पहले ना हम यहीं पे पूजा करते हैं, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस तो की होगी अभी तक ना, कि यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है और साथ में ही मतलब झाड़ियाँ भी बहुत हैं। यहाँ के जो देवता है ना, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं इन झाड़ियों को काटने की, क्योंकि देवता का मानना है कि मैं मंदिर में नहीं, यहीं पे रहता हूँ बाहर, और ना ही ये अलाउड करता है ताला लगाना। हेलो गाइस, ये है विशु का साजा और यहाँ पे मम्मी जा रही है मम्मी को देने, फोल्डू बड़े शक्ली जो बनाते हैं वो सब गाय को देते हैं। आज छोटा तो गाइज ये था हमारा रिवाज जो हम यहाँ पे करते हैं, और ना जितने भी फंक्शन आते हैं हमारा बस यही काम है, हमने ये बनाने ही बनाने, बड़े तो हमारे लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। और हाँ ना, बाहर तो आजकल एग्जीबिशन भी लग रही है इन सब चीज़ों की, हमारे पहाड़ी कल्चर की। तो अब हम यहाँ से फ्री होके ना मंदिर जाने के लिए रेडी होने जा रहे हैं। तो अंदर जाने से पहले हमें रोहित भैया और उनकी वाइफ मिल गए थे यहाँ पे मुझे। आदमी का रखा।
तो जितना मुझे याद है ना, मुझे ये बताया था कि ये माता ना खरशाली से आई है। उस टाइम माता रुष्ट होके खरशाली से यहाँ पे हटकोटी आई थी और उसके बाद कभी माता वापस गई ही नहीं। यहाँ तक कि गांव वाले चाहते थे कि वापस आए, लेकिन माता ने साफ साफ बोल दिया था कि हर एक कदम पे बलि लगेगी अगर मैं वापस आऊँगी तो। गाइज आप लोग खुद सोचिए, अगर इतना दूर माता जाएगी तो कितनी बलियाँ लगनी थी, इसलिए कभी माता वापस गई ही नहीं। तो आई नो सब लोगों को मालूम होगा कि घड़ा क्यों बांधा है यहाँ पे। तो पहले के टाइम पे ना दो घड़े बह के आए थे, उनमें से एक घड़ा ये है जिसको काफ़ी टाइम से बांध के रखा है, बिकॉज ये भागने की कोशिश कर। तो ये ना जो आप देख रहे हो ना, ये है पांच पांडवों के मंदिर जैसे बोल सकते हैं इनको, ऐसा बोलते हैं ना। पहले के टाइम पे जब पांडव आए थे ना, तो वो उन्होंने यहाँ पे एक कुछ दिन यहाँ पे स्टे किया था, तो बस उन्हीं के उससे यहाँ पे उनके लिए ये बनाए गए हैं। तो ये है पंडित जी ना, इनका रोज़ फ़ोन आता है डैडी को, और डैडी का इनको भी वीडियो कॉल पे ना हमेशा ये दर्शन करते हैं सुबह सुबह मंदिर में। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर था ना, तो मेरी आवाज़ तो पहुँचनी नहीं थी आप तक। दीदी मिले छोटे बड़े बड़े दीदी, और दूसरे अंदर गए, वो पता नहीं दिखे नहीं मेरे को ना। तो यहाँ पे ना मंदिर में हमेशा यहाँ पे मेला भी लगता है, तो ये कुछ मेला में सामान था जो कि नियति ना देख के ही पहली बार उसको मैंने बाहर लाया, तो देखो क्या कर रही है। कितने के? तो गाइज मेले में ना काफ़ी सस्ता सामान था, और हमने ना मैंने ना यहाँ से जुतियाँ ली है जो कि 200 रुपीज़ की थी, और सूट वगैरह हमने प्राइजेस नहीं पूछे। और यहाँ पे हमने उसके बाद गए हम छोले खाने, क्योंकि भूख जैसी लग रही थी। और गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पे नए हो ना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।